पड़ोसी के घर दादी जाती है आग सेकने। फिर पड़ोसी दादी को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। फिर दादी का पोता आता है और दादी को लेकर जाता है। फिर पोते ने सोचा, मेरी दादी को मुझको घर पर ही आग सीखने वाला कुछ ना कुछ बनाकर देना पड़ेगा ताकि दादी अच्छे से आग सेक पाए। फिर पोते ने कुछ काट के टुकड़े के मदद से आग सेकने वाला एक मशीन बनाने लगता है ताकि दादी उसे मशीन पर बैठकर आग सीक पाए। ऐसे पोते के लिए दोस्तों एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। फिर पोते ने लगातार 5 घंटे काम करने के बाद काट के टुकड़े को एक जगह जोड़ने लगता है और मशीन को रेडी कर देता है। फिर उसे मशीन पर कुछ आग का टुकड़े को अंदर डाल देती है और दादी को उसे मशीन के पास लेकर आता है। फिर दादी भी मजे से उसे मशीन पर हाथ और पैर अंदर डालकर मजे से आग सीखने लगता है और पोते भी पीछे से दादी को मालिश करने लगता है। फिर दादी सोचता है, भगवान मुझे ऐसे पोते देने के लिए धन्यवाद।